हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो। अगर आपका ये बजट 25,000 है एंड इस प्राइस सेगमेंट में आप अपने लिए एक बेस्ट एंड पावरफुल स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसमें कि सभी फीचर्स एकदम तगड़े तगड़े लेवल के हो, देन आप सही वीडियो पे आए हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल ऑलराउंडर फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन अंडर 25,000। 25,000 के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, बट सभी स्मार्टफोन अच्छे नहीं होते हैं, एंड इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यूज देखने के बाद मैंने इन पाँचों स्मार्टफोन को चुना है। ये पांचों स्मार्टफोन इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि स्मार्टफोन का जो प्राइस है 1,000 से 2,000 रुपये अप डाउन होते रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। अब मैं बताता हूँ कि हमारे वीडियोस के अंदर आपको हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 8 GB का बड़ा रैम, 256 GB का बड़ा स्टोरेज, एकदम नेक्स्ट लेवल की गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 का 5G चिपसेट, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100U का 5G चिपसेट, जिससे कि आप एकदम नेक्स्ट लेवल की गेमिंग कर सको लॉन्ग टर्म तक। 5000mAh का बड़ा बैटरी होगा, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 80W का इनबॉक्स चार्जर भी होगा। तगड़ा कैमरा होगा जिससे कि आप 4K की रिकॉर्डिंग कर पाओ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट होगा। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस होगा जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी सुन नहीं होगा। 16 5G बैंड का सपोर्ट होगा, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। गाइस, स्मार्टफोन का जो रैंकिंग है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से हुआ है, बट इससे आप ये मत समझना कि जो 5th नंबर वाला स्मार्टफोन वो बेकार है और जो 1st नंबर वाला स्मार्टफोन वो बेस्ट है। सभी स्मार्टफोन बेस्ट लेवल के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, और आप बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है OnePlus की तरफ से OnePlus Note C3 5G। अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज अलग अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP54 सर्टिफाइड है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM या फिर 1 SIM प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। बट गाइस, इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। फोन कॉल करने के लिए इंडस पर लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 5000mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है, एंड इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 80W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.7 इंच का फुल HD+ 10-bit फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 950 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP जिसमें के लगा सोनी सेंसर का OIS कैमरा प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, एंड इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल इसका दोनों कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, फ्लेक्सिप सेंसर यूज़ किया है तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा ही। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 782 का 5G चिपसेट, और जो इसका अंतुतु स्कोर 7 लाख के करीब में है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा, एंड इससे आप लो टू हाई सेटिंग पे अच्छे से लॉन्ग टर्म तक गेमिंग कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है 26,999 रुपये, यानी कि 27,000 रुपये। 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाला जो वेरिएंट है आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलेगा, एंड 25,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट कंप्लीट पैकेज ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो गूगल की तरफ से Google Pixel 6 5G। अगर आपको 25,000 के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि आपको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा मिले, डिस्प्ले अच्छा हो, डिज़ाइन अच्छा हो एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा हो, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस, इसका जो कैमरा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करता है अंडर 25,000 से 30,000। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो IP67 सर्टिफाइड है, मतलब कि पानी और डस्ट रोक सकता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। बट गाइस, इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप एक फिजिकल सिम लगा सकते हो एंड एक ई सिम कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल करने के लिए इंडस पर लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। स्टॉक एंड्रॉइड का फीचर मिलता है जिससे कि आपको ब्लॉटर एप्स देखने को नहीं मिलेंगे, एंड UI जो है वो काफ़ी क्लीन होगा। इसमें आपको 3 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 5 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4410mAh का बैटरी दें, इसको चार्ज करने के लिए 18W का ये जो स्मार्टफोन चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है,
बट इन द बॉक्स आपको एडाप्टर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रुपीस दे के एडाप्टर खरीदना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.1 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 900 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले ठीक ठाक मिलता है, बट हाइयर रिफ्रेश रेट होता तो और भी अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर बैंक 12.2 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। एंड इसके मेन वाले कैमरे में OIS का सेंसर देखने को मिलता है। गाइस, इसका जो दोनों बैक कैमरा है वो सोनी सेंसर के साथ आता है। एंड इसके फ्रंट में लगा है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। कैमरा यूजर्स के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है गूगल टेंसर का 5G चिपसेट और जो इसका अंतुतु स्कोर 6,20,000 के करीब में। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है, नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा। एंड अगर आप इससे आप लॉन्ग टर्म तक गेमिंग करते हो तो हीटिंग इशू आने का चांसेस है। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 16 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है 25,999 रुपये, यानी कि 26,000 रुपये। 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 6128 वाला जो वेरियंट है वो आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप अपने लिए एक बेस्ट कैमरा सेंटर के ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो रेडमी की तरफ से रेडमी K50i 5G। वैसे तो जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब जो इसका प्राइस था वो 29,000 से 30,000 के करीब में था, बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के 23,000 से 24,000 में मिल जाएगा। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट मिल जाता है, मतलब कि अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज वाला एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है। इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेगा। 5,080mAh का बैटरी देंस को तेजी से चार्ज करने के लिए 67W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा MediaTek Dimensity 8100U का 5G चिपसेट और जो उसका अंतुतु स्कोर 8,22,000 के करीब में है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा, किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पर लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो। ये जो प्रोसेसर है वो 30,000 से 35,000 के करीब में आता है, बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको इस प्रोसेसर के साथ 20,000 से 21,000 में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको गेमिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को ले लेना। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 270Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इसका आपको ठीक ठाक मिलता है, ना ज़्यादा हाई लेवल का है ना ज़्यादा लो लेवल का है। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 23,999 रुपये, यानी कि 24,000 रुपये। एंड गाइस, इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है। तो अगर आपको 25,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है वो रियलमी की तरफ से रियलमी GT2 5G। अगर आपको एक फ्लैगशिप ग्रेड वाला एक तगड़ा कंप्लीट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वैसे तो जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब जो इसका प्राइस था वो 35,000 के करीब में था, बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के 25,000 में आराम से मिल जाएगा। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, बट गाइस इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को अनलॉक करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटो लॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे।
5000 mAh का बड़ा बैटरी देने इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 65 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 888 का 5G चिपसेट एंड जो इसका अंतुतु स्कोर 8,12,000 के करीब में है। गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एकदम टॉप नोच का मिल जाएगा, एकदम नेक्स्ट लेवल की गेमिंग कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 11 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। 6.62 इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी है। डिस्प्ले का क्वालिटी एकदम कमाल का है, मतलब कि एकदम टॉप नोच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 MP जिसमें कहेगा सोनी का सोनी IMX766 वाला सेंसर प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके फ्रंट वाले कैमरे में आपको सोनी IMX471 का सेंसर देखने को मिलता है। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है, डे लाइट हो या फिर लो लाइट दोनों में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 के रुपये जो 24,999 रुपये यानी कि 25,000 रुपये एंड प्राइस जो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपको 25,000 के बजट में एक तगड़ा ऑलराउंडर जबरदस्त स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि सभी फीचर्स एकदम फ्लेक्सिब लेवल के हो, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बट गाइस आप ध्यान रखना कि इसका जो प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहता है, तो जब इसका जो प्राइस है 25,000 के करीब में है तभी आप इस स्मार्टफोन को लेना, और अगर इसका प्राइस हाई रहे तो आप इस स्मार्टफोन को उस टाइम मत लेना। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो पोको की तरफ से पोको F5 5G। वैसे तो जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब 27,000 से 28,000 के करीब में आता था, बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको बैंक एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद 25,000 में मिल जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के भी 25,000 में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है एंड इसका भी जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, मतलब कि कभी 27,000 से 28,000 हो जाता है, कभी 25,000 से 26,000 हो जाता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना एंड जब जो इसका प्राइस हो 25,000 हो तभी आप इस स्मार्टफोन को लेना। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ये जो स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन कॉल करने के लिए साइड वॉल लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000 mAh का बड़ा बैटरी दिया है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 67W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस 12-bit OLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी है। डिस्प्ले इसमें आपको एकदम फ्लेक्सिबल लेवल का देखने को मिलता है, कलर साइज ब्राइटनेस सब कुछ एकदम बढ़िया लेवल का मिल जाता है, मतलब कि जो जो डिस्प्ले में चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके बैक में 64 MP जिसमें कहेगा OIS का सेंसर प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का परफॉर्म करता है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 का 5G चिपसेट और जो इसका अंतुतु स्कोर है 10,00,000 के करीब में। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट मिल जाएगा, इससे आप लो टू हाई सेटिंग पर लॉन्ग टर्म तक इजीली गेमिंग कर सकते हो, और अगर आप गेमिंग यूजर्स हो देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को जरूर ले लेना। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 26,999 रुपये यानी कि 27,000 रुपये, 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर। देन इफेक्टिवली इसके 8256 वाला जो वेरियंट है वो आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 25 से 26,000 के अंदर और वन ऑफ द मोस्ट ऑलराउंडर पावरफुल फ्लेक्सिबल किलर स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि सभी फीचर्स एकदम तगड़े तगड़े लेवल के हो, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल ऑलराउंडर फ्लेक्सिबल किलर स्मार्टफोन अंडर 25,000।
और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।